राजस्थान के विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। हमारे साथ सांगानेर से बीजेपी प्रत्याशी भजनलाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनावी भागदौड़ खत्म हो चुकी है, कैसा रहा आपका ये चुनाव? नहीं, बहुत अच्छा रहा, चुनाव तो अच्छा ही रहता है। हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि जनता ने मनमानस बना लिया है इस भ्रष्टाचारी और तुष्टिकरण की सरकार को उखाड़ने का, और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जनता ने ऐसे लोगों को नकारा है जो झूठ और लूट का सहारा लेते हैं, मैनिफेस्टो में भी झूठ बोलते हैं, गारंटी देने वाले जो हैं वो गारंटी देने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता का मन है कि जो ये काम किया है इन्होंने आचार संहिता से एक महीने पहले क्या क्या गारंटी दे रहे हैं। अरे भाई, आ गारंटी देनी थी तो 4.5 साल पहले देते, जनता को लाभ तो मिलता। जनता इस लूट और झूठ की कहानी को जानती है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने का जनता ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर आ रही है। मैं अगर सांगानेर की बात करूं तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सांगानेर के उन सभी कार्यकर्ताओं को, वर्तमान कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता, और वहां की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मनमानस बना लिया है कि वो राष्ट्रवाद, विकासवाद और कार्यकर्ता पूरी तरह से मन बना चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा और बड़े अंतराल के साथ हम सांगानेर की सीट को जीतेंगे। सर, दो सवाल हैं। एक तो कहीं ना कहीं पूरे 4.5-5 साल राजस्थान की जनता ने तुष्टिकरण की राजनीति देखी है, एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने की नीति देखी है, महिला अपराध इस राजस्थान की धरती ने देखे हैं, बेरोजगारों, किसानों, युवाओं के साथ माफ़ कीजिएगा धोखा होते हुए देखा है, और कहीं ना कहीं कल हमने ग्राउंड पे भी हमने पूरा ग्राउंड रियलिटी चेक कर हमने करा था, किशनपुर विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा, उसके बाद आपकी हवा महल विधानसभा, और हर लगभग लगभग हर एक विधानसभा से इस प्रकार की खबरें आईं कि कहीं कहीं पे 500 से 600 लोगों के नाम एक बूथ में से नहीं थे, कट गए थे किसी भी वजह से। और दूसरा सवाल एक तो इस पर सर, और दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक स्टेटमेंट आया है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि बीजेपी ने चूँकि इस चुनाव को हिंदू धर्म और सनातन के ऊपर मोड़ दिया, इस वजह से शायद हम हार सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ हम नहीं लड़ पाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब को, गहलोत साहब ये बात आप क्यों कह रहे हो? आप तुष्टिकरण के आधार पर चलते हो, प्रदेश की जनता तुष्टिकरण के आधार पर नहीं चलती, भाजपा संविधान के आधार पर चलती है। आप जिस तरह से राजस्थान के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया है, क्या आपसे छुपा है? आपको सरकार चलानी थी लेकिन राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार में ढकेला आपने, क्यों? आप तुष्टिकरण के आधार पर सरकार चलाना चाहते हो, चलाइए, लेकिन राजस्थान की जनता को क्यों झोंक रहे हैं? एक तरफ 50 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें कितना पैसा आपने दिया है? आप हमेशा तुष्टिकरण, झूठ और लूट की कहानी कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये ज़्यादा नहीं चल सकता है। अगर मैनोफेस्टो में आप घोषणा कर दो उसके बाद कुछ नहीं करो, कहाँ दिया आपने बेरोजगारों का भत्ता, कहाँ किसानों का कर्ज माफ़ किया, बिजली की दरें बढ़ाने के मन किया वो भी बढ़ा दिया, महिला अपराध कितने हुए हैं, दलित अपराध अत्याचार कितने हुए हैं, आपको कहानी है। आज एक एक आदमी इस भ्रष्टाचार की कहानी गांव-गांव में कहता है, एक एक व्यक्ति बताता है कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, आपने जो आपके विधायक थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया, वो अगर किसी किसी फोर्थ क्लास का भी ट्रांसफ़र होता है तो उसमें दलाली खाते हैं, अधिकारी तुम्हारी मर्जी से ऐसे लगाते हैं जो किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ विधायक की सुनता है। अरे ये राजनीति थोड़ी है, ये राजनीति नहीं है। अरे क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि की साख होती है, जनप्रतिनिधि का काम बोलता है, जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए। आपने जनप्रतिनिधि को ऐसा दलाल बना दिया, जनप्रतिनिधियों को इस तरह की स्थिति बना दी आपने। गहलोत साहब, ये तो जनता है, ये सब जानती है, इसलिए कांग्रेस सरकार को काट फेंकने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ भजनलाल शर्मा जी, बीजेपी के प्रत्याशी सांगानेर विधानसभा से, और जाहिर सी बात है इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे 4.5-5 साल जो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जो तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पर खेली है, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ जो अन्याय किया है, उसका समापन का अब दिन आ चुका है।
तीन तारीख वो तारीख है जब राजस्थान के इस धरा से, राजस्थान प्रदेश से कांग्रेस की इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी एक नए विकास की लहर यहां से आपको दिखाएगी। हमारे साथ में भजनलाल शर्मा जी मौजूद थे और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से महिला अपराध में राजस्थान को नंबर वन बना दिया और न सिर्फ महिला अपराध बल्कि युवाओं के साथ धोखा किया गया, किसानों के साथ धोखा किया, गारंटी देने के नाम पर उन्हें ठगा गया, अब उस सभी चीज़ों का जवाब देने का समय आ चुका है और आने वाले 3 तारीख को राजस्थान की जनता इस कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी और बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से राजस्थान में राज करेगी और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।